सुरक्षा और व्यवस्था, तटबंधों की निगरानी पूरी हो। 292 तटबंध हैं गोरखपुर में और 69 तटबंध संवेदनशील हैं और 66 तटबंध संवेदनशील हैं। 318 सुरक्षा समितियों का गठन कर लिया गया है। बाढ़ चौकियां भी बना दी गई हैं और बाढ़ राहत केंद्र भी बना दिए गए हैं। जिलाधिकारी नोडल अधिकारी हैं, SSP, NDRF और PAC, गोताखोर, इन सब की व्यवस्था कर दी गई। इस बार बाढ़ की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 मई को 40 जिलों के जिलाधिकारियों को बुलाकर बैठक की और 15 जून को सभी को निर्देशित कर दिया गया था बाढ़ के कटाव से संबंधित बाढ़ की सुरक्षा के कार्य 15 जून तक तय कर लें, पूरा कर लें। और उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग ने ये कार्य पूरे कर लिए। गोरखपुर जनपद आज मैं उसी की समीक्षा करने के लिए आया क्योंकि कुछ जिलों में अभी बाढ़ आई बहुत और यहाँ भी कुछ जिलों का रिकॉर्ड था कि 40 साल से इतनी बरसात नहीं हुई। यहाँ भी गोरखपुर में अधिकारियों ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार कि 10 साल पहले इतनी बारिश हुई, अब 10 साल से बारिश नहीं हुई। तो इस बार बारिश खूब अच्छी बारिश हुई है। हमारे विभाग के अधिकारियों ने सारे तटबंधों को सुरक्षित कर लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ। बधाई इसलिए देना चाहता हूँ, सरयू नहर परियोजना ये राष्ट्रीय परियोजना है, ये 25 साल से बंद पड़ी थी। पूर्व की सरकारों ने केंद्र से आई हुई धनराशि तो खर्च करी लेकिन अपने प्रदेश का हिस्सा नहीं दिया था। इस समय योगी आदित्यनाथ जी ने ये सरयू नहर परियोजना को प्रदेश का हिस्सा देकर और भी रुपया लेकर के काम प्रारंभ कर दिया है। ये पूर्वांचल के 9 जिलों को लाभकारी होगी और जो बाढ़ विनाशकारी होती है, जो घाघरा और सरयू की जो बाढ़ आती है, वो सरयू नहर परियोजना में पड़कर पूर्वांचल के 9 जिलों को लाभदायक होगी। अब बाढ़ विनाशकारी ना होकर अगले समय में आने वाले में लाभकारी।